1988 में सलमान की पहली फिल्म आई और यह फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में सलमान के साथ रेखा, फारूक शेख और बिंदु थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इस फिल्म में सलमान खान सपोर्टिंग रोल में थे। 1989 में सलमान की लीड रोल में पहली फिल्म आई और यह फिल्म थी मैंने प्यार किया। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भाग्यश्री थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 1990 में सलमान की बागी और रेबल फॉर लव फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ नगमा थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म करार दिया गया। 1991 में सलमान की सनम बेवफा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चांदनी थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते सलमान की पत्थर के फुल फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रवीना टंडन थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की कुर्बान फिल्म भी आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा झुलका थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की लव फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ रेवती थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की साजन फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 1992 में सलमान खान की सूर्यवंशी फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ अमृता सिंह और शिबा आकाशदीप थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी के साथ ही सलमान की एक लड़का एक लड़की फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ नीलम कोठारी और अनुपम खेर थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की जागृति फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की निश्चय फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ विनोद खन्ना और करिश्मा कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। 1993 में सलमान की चंद्रमुखी फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ श्रीदेवी थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की दिल तेरा आशिक फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी फ्लॉप रही। 1994 में सलमान की अंदाज अपना अपना फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ आमिर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सेमी हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की हम आपके हैं कौन फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित, रेणुका शाहनी और मोहनीश बहाल थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की चांद का टुकड़ा फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ श्रीदेवी थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की संग दिल सनम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ मनीषा कोइराला थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। 1995 में सलमान की करण अर्जुन फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ ममता कुलकर्णी, शाहरुख खान, काजोल, राखी गुलजर और अमरीश पुरी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की वीरगति फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिव्या दत्ता, अतुल अग्निहोत्री और अखिलेंद्र मिश्रा थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 1996 में सलमान की मासदार फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ मनीषा कोइराला और राहुल रॉय थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की खामोशी द म्यूजिकल फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ मनीषा कोइराला थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की जीत फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ तब्बू, सनी देओल, करिश्मा कपूर और अमरीश पुरी थे एंड आलोक नाथ भी थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म करार दिया गया। इसके बाद एक फिल्म आई और ये फिल्म थी दुश्मन दुनिया का। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, यानी कि इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था। इस फिल्म में लैला महदीन, जितेंद्र सुमालता और शाहरुख खान थे। 1997 में सलमान की जुड़वा फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की औजार फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय कपूर, शिल्पा शेट्टी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान खान की 10 फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी एंड विनोद खन्ना थे। इस फिल्म की 80% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद की अचानक हार्ट अटैक से मौत होने की वजह से ये फिल्म इनकम्प्लीट ही रही। इस फिल्म को बताने की वजह यही है कि इस फिल्म का जो गाना था सुनो गौर से दुनिया वालों, ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आज भी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पर ये गाना बजाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म इनकम्प्लीट ही रही। दोस्तों, सलमान खान की और भी कई सारी ऐसी मूवीज है जो कि शूट होने के बावजूद भी कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, जो कि इनकम्प्लीट ही बन के रह गई। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी दीवाना मस्ताना। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में अनिल कपूर, गोविंदा और जूही चावला थी। 1998 में एक फिल्म आई और ये फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म में सलमान खान के साथ काजल और उजाला थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म आई और ये फिल्म थी जब प्यार किससे होता है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ ट्विंकल खन्ना थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सेमी हिट फिल्म करार दिया गया। इसके बाद एक फिल्म आई और ये फिल्म थी बंधन। इस फिल्म में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ, अश्विनी भावे और रंभा थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल कुछ कुछ होता है फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 1999 में सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी जानम समझा करो। इस फिल्म में सलमान खान के साथ
साथ उर्मिला मातोंडकर थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की बीवी नंबर वन फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर, अनिल कपूर और सुष्मिता सेन थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी सिर्फ तुम। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में प्रिया गिल, संजय कपूर और सुष्मिता सेन थे। इसके बाद सलमान की एक फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी हेलो ब्रदर। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अरबाज खान और रानी मुखर्जी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की हम साथ साथ ही फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल और तब्बू थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 2000 में सलमान की दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की चल मेरे भाई फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त, करिश्मा कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म आई और ये फिल्म थी ढाई अक्षर प्रेम के। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी कहीं प्यार न हो जाए। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रानी मुखर्जी थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2001 में सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही। 2002 में सलमान की तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन और दिया मिर्जा थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और ये फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म में सलमान खान के साथ शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल ए है जलवा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान और अमीषा पटेल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। 2003 में स्टंप्ड फिल्म आई। इस फिल्म में रवीना टंडन, विजू खोटे, मैक मोहन और आशा सचदेव थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इसी साल सलमान की तेरे नाम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सेमी हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और ये फिल्म थी बागबान। इस फिल्म में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमन वर्मा, महिमा चौधरी, रीम सेन और समीर सोनी थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2004 में सलमान की गर्व फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अरबाज खान, आकांक्षा मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की मुझसे शादी करोगी फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की फिर मिलेंगे फिल्म भी रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ प्रीति जिंटा और भूमिका चावला थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2005 में सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी लकी, नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म में सलमान खान के साथ स्नेहा उल्लाल और मिथुन चक्रवर्ती थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन और कटरीना कैफ थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और ये फिल्म थी नो एंट्री। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा बसु, ईशा देओल और लारा दत्ता थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की क्योंकि फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2006 में सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी शादी करके फंस गए यार। इस फिल्म में सलमान खान के साथ शिल्पा शेट्टी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म आई और ये फिल्म थी सावन द लव सीजन। इस फिल्म में कपिल और सलोनी थे। सलमान खान ने इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी बाबुल। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और रानी मुखर्जी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म थी जाने मन। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। 2007 में सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी सलामे इश्क, अ ट्रिब्यूट टू लव। इस फिल्म में सलमान खान के साथ प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, जोहन अब्राहम और विद्या बालन थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी पार्टनर। इस फिल्म में सलमान खान के साथ लारा दत्ता, गोविंदा और कटरीना कैफ थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सुपर हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी मारीगोल्ड, एन एडवेंचर इन इंडिया। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अली लैटर थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद सलमान की एक फिल्म आई और ये फिल्म थी सावरिया। इस फिल्म में रणबीर कपूर, सोनम कपूर, रानी मुखर्जी और सलमान खान थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2008 में सलमान की गॉड तुस्सी ग्रेट हो फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की हेलो फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ शर्मन जोशी, ईशा कोपिकर, सोहेल खान
इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही। इसी साल सलमान की हीरोज फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और सोहेल खान थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते सलमान की एक और फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म थी युवराज। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनिल कपूर, जयत खान, कटरीना कैफ और बोमन ईरानी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसके चलते 2009 में वांटेड फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा टाकिया थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और यह फिल्म थी मैं और मिसेस खन्ना। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर, सोहेल खान और बप्पी लहरी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते सलमान की लंदन ड्रीम्स फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अजय देवगन, असिन, आदित्य रॉय कपूर और ओम पुरी थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते एक और फिल्म आई और यह फिल्म थी अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 2010 में सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी वीर। इस फिल्म में सलमान खान के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान और सोहेल खान थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म आई और यह फिल्म थी प्रेम का गेम। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में अरबाज खान और माधुरी भट्टाचार्य थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और यह फिल्म थी दबंग। इस फिल्म में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते एक फिल्म आई और यह फिल्म थी इसी लाइफ में। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और संदीप धर थे। इसके बाद 2011 में सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी रेड्डी। इस फिल्म में सलमान खान और असिन थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक और फिल्म आई और यह फिल्म थी बॉडीगार्ड। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। इसी के चलते सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी टेल मी ओ खुदा। इस फिल्म में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और ईशा देओल थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इसी के चलते 2012 में एक फिल्म आई और यह फिल्म थी एक था टाइगर। इस फिल्म में सलमान खान, कटरीना कैफ थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी सन ऑफ सरदार। इस फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, जूही चावला थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इसी साल सलमान की दबंग 2 फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान, अरबाज खान और सोनाक्षी सिन्हा थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 2013 में इश्क इन पेरिस फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में प्रीति जिंटा और गौरव चन्नाना थे। इसी के चलते एक फिल्म आई और यह फिल्म थी फटा पोस्टर निकला हीरो। इस फिल्म में भी सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस फिल्म में शाहिद कपूर और इलियाना डी क्रूज थी। 2014 में सलमान की जय हो फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ डेजी शाह थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक फिल्म आई और यह फिल्म थी ओ तेरी। इस फिल्म में बिलाल, अमरोही और पुलकित सम्राट थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल एक मराठी फिल्म आई और यह फिल्म थी लई भारी। इस फिल्म में रितेश देशमुख, अदिति पोहंकर और राधिका आप्टे थे। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते एक और फिल्म आई और यह फिल्म थी फगली। इस फिल्म में कियारा आडवाणी, मोहित मरवाह और जिम्मी शेरगिल थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इस फिल्म में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी किक। इस फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2015 में सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी बजरंगी भाईजान। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोनम कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी सुपरहिट रही। 2016 में सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी सुल्तान। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 2017 में सलमान की ट्यूबलाइट फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ जूजू और मैटिनी टैंगो थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की एक फिल्म आई और यह फिल्म थी टाइगर जिंदा है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया। 2018 में सलमान की रेस 3 फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज फिल्म करार दिया गया। इसी के चलते 2019 में सलमान की भारत फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी और कटरीना कैफ थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसी साल सलमान की दबंग 3 फिल्म आई और इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। 2021 में सलमान की राधे फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा थे। यह फिल्म OTT की एक सक्सेसफुल फिल्म रही। इसी साल सलमान की अंतिम फिल्म आई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा, महिमा मकवाना और जिशु सेन गुप्ता थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट फिल्म करार दिया गया। इसके बाद 2022 में सलमान की कभी ईद कभी दिवाली फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों, सलमान खान की इन फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है, एक कमेंट करके जरूर बताना। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।